हेलो फ्रेंड्स, आपका श्री अनंता ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करें, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए और इंग्लिश लैंग्वेज में टेंसेस की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। मैं आपको बताने जा रही हूँ टेंस कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन इजीली कर पाएंगे। टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। अब प्रेजेंट टेंस में भी इसके फोर पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर वन में प्रेजेंट इनडेफिनिट, सेकेंड नंबर पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट टेंस में होता है। पास्ट टेंस में भी वही होगा, फर्स्ट नंबर पे होगा पास्ट इनडेफिनिट टेंस, फर्स्ट नंबर पे पास्ट इनडेफिनिट, सेकेंड नंबर पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड नंबर पे पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ नंबर पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, इसी तरह से आप देखेंगे फ्यूचर टेंस में, फर्स्ट नंबर पे फ्यूचर इनडेफिनिट, सेकेंड नंबर पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, थर्ड फ्यूचर परफेक्ट एंड फोर्थ नंबर पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं और फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट नंबर पे हमने देखा प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? इट एक्सप्रेसेस एक्शंस इन द प्रेजेंट टाइम। जब प्रेजेंट टाइम के बारे में, वर्तमान समय के बारे में हम बात करते हैं तो वो होता है प्रेजेंट टेंस। सेकेंड नंबर पे पास्ट टेंस। इट एक्सप्रेसेस actions in the past time। जब भूतकाल के बारे में बात होती है तो उसे हम कहते हैं past tense। थर्ड नंबर पे क्या हुआ बच्चा? future tense। It expresses actions in the future time। तो भविष्य काल के बारे में अगर हमने बात किया तो उसे कहते हैं future tense।
नेक्स्ट अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी प्रेजेंट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट टेंस के क्या रूल्स होते हैं। अब लिखिए नेक्स्ट पेज पे आप प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया फर्स्ट नंबर पे होता है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, अब इसे हम पहचानने के लिए क्या देखते हैं कि जब सेंटेंसेस के लास्ट में ता है ती है इस तरह के शब्द आते हैं तो वो होते हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट के सेंटेंस। तो हिंदी में जब हम कोई भी सेंटेंस देखते हैं तो लास्ट में हम देखते हैं कि ता है ती है इस तरह के शब्द आते हैं, तो हम उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आप अपने पास नोट्स जब बनाइए तो उसमें लिख सकते हैं लास्ट ऑफ द सेंटेंस क्या आया आपके में, ता हूं, ती है, ते हैं, इस तरह से आता है। और फिर हम देखते हैं इसके और भी रूल्स होते हैं सेंटेंस में, जो इसमें भी तीन तरह के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। पहला होता है एफर्मेटिव, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, और तीसरा है इंट्रोगेटिव। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें आप जब देखेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग तो आप पाएंगे कि पहला सेंटेंस में फर्स्ट आप क्या देखते हैं, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। और क्या होता है, ये तो आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसके बाद होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हुआ प्लस डू नॉट का यूज किया जाता है या डज नॉट का यूज किया जाता है, और इसमें भी क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब क्या होगा आपका नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है, ये स्टार्ट होता है डू या डस से, उसमें होता है फिर सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये सब यहां पे आपके जो मैंने बताए हुए हैं रूल्स वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के रूल्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट कोई भी टेंस आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसका आपको पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के बारे में बताया है तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगी। प्रेजेंट इनडेफिनिट के मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताने जा रही हूँ, जैसे अगर ये आप देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल, इसको मैंने आपको बताया पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसका एग्जांपल है मान लीजिए मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल बताया मैं क्रिकेट
खेलता हूं। तो यहां पे आप देख रहे हैं खेलता ता हूं करके आपको ये मिल गया लास्ट में, तो इसका हम करेंगे ट्रांसलेशन, मैं का हो जाएगा आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं एग्जांपल देती हूं उसी का, इशिता पत्र लिखती है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इशिता राइट्स अ लेटर। यहां पे मैं आप देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आई के संग प्ले लगा हुआ है, प्लेज नहीं लगा हुआ है, और इशिता के संग राइट्स लगा हुआ है, राइट नहीं लगा हुआ है। इसका भी रूल होता है, जैसे सिंगुलर नंबर होते हैं और प्लूरल नंबर होते हैं, तो सिंगुलर के संग क्या होता है, सिंगुलर मतलब ही शी इट ये सब सिंगुलर होते हैं, तो इसके संग एस का यूज या ईएस का यूज किया जाता है, और जो प्लूरल नंबर्स होते हैं आई वी यू दे, तो उसमें जो होता है वो एस और ईएस का यूज नहीं किया जाता है, सीधे आप डायरेक्टली इस तरह से आई के संग प्ले क्रिकेट इस तरह से आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस के भी मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगी जो इस प्रकार हैं, फर्स्ट नंबर पे मैं टेबल टेनिस नहीं खेलता, तो यहां पे आ गया है नेगेटिव सेंटेंस नहीं। इसका हम कैसे चेंज करेंगे, इसका जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो आई डू नॉट प्ले टेबल टेनिस। नेक्स्ट सेंटेंस आपको देती हूं, हम लोग आपस में कभी नहीं लड़ते। अब यहां पे कभी नहीं के लिए डू नॉट या डज नॉट का यूज हम नहीं करते हैं, तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, वी नेवर क्वेरल टुगेदर। अब आपको मैं सेंटेंस थर्ड सेंटेंस बताती हूं, तुम मेरी बात नहीं मानते, इसका होगा यू डू नॉट ओबे मी। ये हैं सारे जो मैंने आपको बताया, ये नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्या एग्जांपल हो सकते हैं। इसका एग्जांपल है फर्स्ट नंबर पे, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो यहां पे
क्या से शुरू हो रहा है ये शब्द, ये सेंटेंस, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डू का यूज करेंगे, उसके बाद आई प्ले फुटबॉल। अब इसी तरह आप नेक्स्ट सेंटेंस लीजिए, क्या वह नहीं तैरती है, इसका होगा डज शी नॉट स्विम। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो थोड़ा से डिफरेंट रहेगा, तुम किसको पढ़ाते हो। अब आप यहां पे देखेंगे जो क्या या किसको है वो इसके बाद आया हुआ है, तुम के बाद आया है किसको, तो इसके लिए हम किस तरह से बनाते हैं, तुम किसको पढ़ाते हो, होम किसको के लिए होम का यूज किया गया, होम डू यू टीच। मैंने आपको यहाँ पे जो सेंटेंसेस बताए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आगे के वीडियो में, तो आप इसको देखिए और ध्यान से पढ़िए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर करिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए।